अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जो है ना, काफ़ी दिन से ना काफ़ी ज़्यादा लोग, जैसे जैसे हुसैन के सेशंस हो रहे हैं ना, जो जो बच्चे स्पीच डिले का और इन सब चीज़ों से हैं रिलेटेड, या काफ़ी दफ़ा मैं हेल्प मांगती थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि हुसैन की क्या असेसमेंट रिपोर्ट आई है, हुसैन को क्या डायग्नोज हुआ है, क्या चीज़ें हुई। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ना हुसैन की जितनी भी असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मैं आपके साथ करूंगी शेयर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को ना इससे हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ना हुसैन की फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थी इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट के 10-12 दिन ना, उन्होंने हुसैन को डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ थी, जिसमें लर्निंग थी, जिसमें शेप्स का था कि शेप्स की जो चीज़ें शेप्स के ऊपर रखनी थी, और ब्लॉक्स थे, कलर मैचिंग थी, कार्ड्स मैचिंग थी, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने ना 10-12 दिन हुसैन से करवाई, और उसके अकॉर्डिंगली ना उन्होंने ना ये सारी जो असेसमेंट रिपोर्ट है ना, ये उन्होंने हमें जो है ना वो बना के दी है। ठीक है, उसके बाद जो है ना इसकी जो मेन जो असेसमेंट रिपोर्ट है ना, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि उसमें क्या आया है। ठीक है, एक मिनट मानो, क्योंकि जो होती है ना, ज़्यादा मोस्टली लोगों को लगता है कि जो बच्चे बोलते नहीं हैं, या जो बच्चे जो है जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी इस तरह की होती है, हो सकता है लोगों के जहन में बहुत सारी डिफरेंट, आजकल ADHD भी है, उसके बाद ऑटिज्म भी है, उसके बाद जो है ना वो हमारा कोई वैसे ही आ रहा है। वैसे नॉर्मली तो हमारे हर व्लॉग में जो बेल है ना, वो मरता ही कूड़ा लेने वाले, ये इस तरह के पैंट शर्ट है, कूड़ा लेने। अच्छा चलो, बारह जी कूड़ा लेने आए, लेने आते कोई नहीं है, जब सैलरी लेनी होती है ना, दो चार दिन आते हैं। अच्छा जी, हुसैन की जो आई है ना रिपोर्ट, वो यही आई है कि हुसैन जो है ना, हुसैन का कम्युनिकेशन इशू है, यानी स्पीच डिले इशू है। ठीक है, और इन्होंने पूरी जो है ना, जैसे ये लिखा है, मैं पूरा पेज आपको पढ़ के नहीं सुना सकती, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना डाउट होता था कि स्पेन है, शान सा आ जाता है, ये कभी मुझे बताया, पता नहीं सही बताता है नहीं स्पेनिश था, मैं लगे वहाँ पर रिसर्च पूरी कर रही थी। मेरे आने से 2 दिन बाद जो हुसैन की फाइनल असेसमेंट रिपोर्ट आई थी ना, उसमें भी स्पीच डिले इशू ही डायग्नोज हुआ था, तो इसमें भी जो है ना वो स्पीच डिले इशू ही इन्होंने भी डायग्नोज किया, क्योंकि अब हुसैन की माशाल्लाह माशाल्लाह एक दो पेपर्स हेलो करा ले, इसका हेलो करा ले। तो अभी जो है ना, जो लोग कह रहे थे ये ना सानिया के साथ रह रहा के चला के बहुत हो गई जाकर, बस ये ना इसने, ये माशाल्लाह बोलती चलती है, स्कूल अब कम जाती है, ज्यादा छुट्टी नहीं करती है, लेकिन सानिया के साथ में ये बेहतर होगी। हुसैन का सेशन है आज, लेट था तो हुसैन को मैंने अभी सेशन पे लेके जाना, देखना कूड़े लेने आ, मैं तो परेशान। अच्छा जी, बाकी जो है ना, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हर बच्चा ऑटिस्टिक नहीं होता जो नहीं बोलता, जो बच्चा सुनता है वो बोलता भी है। और अभी इन्होंने बहुत डिटेल्ड, क्योंकि ये अमेरिका से एफिलिएशन है इनकी, इन्होंने काफ़ी डिटेल असेसमेंट किया है, तो हुसैन का जो है ना वो स्पीच डिले इशू ही आया है, क्योंकि हुसैन की अंडरस्टैंडिंग, हुसैन की वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो ये कहते हैं कि जैसे ही हुसैन बोलने लग जाएगा ना, तो हुसैन के बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा बहुत कभी गुस्सा करता है कुछ जब हम आप, तो लेकिन खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान आने का ये एक फ़ायदा तो हुआ है कि हुसैन हमें कम्प्लीटली उर्दू में अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया। मतलब हुसैन को हम जो काम कहें, हुसैन जिस तरह से भी कहें ना कि ये काम कर रहा हो या बैठ जो लेट जो कर, हुसैन हमारी उर्दू पूरी समझने लग गया है माशाल्लाह। हिना, मामा, नो, ना, दे दो, ले लो, पानी, काफ़ी ज़्यादा हुसैन ने वर्ड्स बोलना ना शुरू कर दिए हुए हैं, तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी असेसमेंट्स यहाँ भी स्पेन भी बिल्कुल ठीक आई हैं, बस कुछ बच्चे बोलते लेट हैं। और फिर सबसे जो बड़ी बात इनके साथ हुई है ना, वो ये हुई है कि वहाँ स्पेनिश लैंग्वेज है, घर के अंदर उर्दू है, यहाँ पाकिस्तान आया उर्दू है, तो बच्चे जो है ना वो कन्फ्यूज हो गए हैं कि कौन, एक जुबान तो बच्चे सीखते हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए हैं कि उर्दू बोलें, स्पेनिश बोलें, इंग्लिश बोलें, क्या करें। तो ये प्रॉब्लम हमें वापस से आके, मानो एक मिनट, ये प्रॉब्लम हमें वापस से आके भी थोड़ा बहुत रहना ही है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल में स्पेनिश होगी, घर आके इन्होंने उर्दू बोलनी है अभी, क्योंकि हमें तो इतनी आती नहीं है। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की असेसमेंट रिपोर्ट भी, हुसैन को जो है ना वो कम्युनिकेशन इशू है, स्पीच डिले है, लेकिन हुसैन ने बोलना शुरू कर दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, समझता बिल्कुल हर चीज़ है, बिल्कुल
और छोटे छोटे काम भी हमारे घर में बहुत सारे करता है माशाल्लाह। और यह है कि जैसे जैसे बोलने लग जाएगा तो बाकी भी जो है ना इश्यूज वो ठीक हो जाएंगे माशाल्लाह। अब तो खुश इतना रहता है, इसका मूड अच्छा रहता है, तो सब ठीक है। अभी बस हुसैन खाना खा रहे, मैंने इसकी क्लास पे लेके जाना है। आज मुझे और भी थोड़े बहुत काम है वो भी करने हैं, तो बस व्लॉग का आगाज हो गया। जो लोग कंफ्यूज थे, जो लोग बार बार पूछ रहे थे, वो ये है कि हुसैन को स्पीच डिले इशू है, वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया। जैसे जैसे हुसैन बोलेगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा, मैं जो रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने अब 2-2.5 साल डीपली इन चीजों को देखा है, बच्चे के टेस्ट कराए, ऑब्जर्व कराया, अगर 2 से 2.5 साल के दरमियान अगर आपका बच्चा नहीं बोलता या आपका बच्चा किसी भी माइलस्टोन में पीछे है, तो फौरन ही किसी साइकेट्रिस्ट से जो है ना वो कंसल्ट कर लें, डिले ना करें। ये लाडला हमारा ज्यादा था कोविड के दिनों में, फिर 2-3 साल एक घर के अंदर भी रहा, हमने 2-3 साल चीजें लेट की हैं, ये हमें भी पहले करनी चाहिए थी। यही इसकी स्पीच थेरेपी या चीजें 2-3 साल पहले शुरू हुई होती तो अब तक इसने बिल्कुल बोलते चलते ठीक होना था। इसलिए अगर 2 से 2.5 साल के दरमियान आपका बच्चा वर्ड्स नहीं बोलता, चीजें रिपीट नहीं करता, या आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत है, तो फौरन साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, स्पीच थेरेपी करवाएं। या इवन अब हयाम नहीं बोलती थी, हयाम वर्ड्स रिपीट नहीं करती थी, इसे 2 महीने स्कूल भेजा, माशाल्लाह ये बोलती है, बातें करती है, हर चीज रिपीट करती है, पूरे पूरे कायदे पढ़ती है। तो इसलिए बच्चे को 2-2.5 साल की उम्र तक देखें, वरना लाजमी कंसल्ट करें या कोई भी समर कैंप प्ले ग्रुप में करवा दें। तो चलिए जी, बस हुसैन खाना खा लेता है, फिर हम अगली वीडियो अपनी शुरू करते हैं। चलिए जी, हम हुसैन के सेंटर पहुंच चुके हैं। ये लें हुसैन, पानी की बोतल पकड़े और जाएं, अपनी साथ लेके जाओ। चलो चले। ये ना इसके टीचर को इसकी एक शीट दे दे, ये इसकी पानी की बोतल भी दे। माशाल्लाह सियाना हो गया, आराम से खुद ही चला जाता है, ये देखे हो गया। आज मैंने साथ नहीं बैठना क्योंकि हमने थोड़े से काम करने हैं, तो चलते हैं जी वो कर लेते हैं, मौसम भी अच्छा है। चलें जी, जो ज़रूरी काम थे ना कुछ हमारे बैंक्स के, वो हमने कर लिए हैं, और अभी ना हम लोग रुके हैं अमरूद लेने के लिए। मैंने उमर भाई को ही भेजा है कि आप ना अच्छे से अमरूद लेके आओ, क्योंकि अभी स्पेन से अमरूद और जामुन नहीं मिलते, और यहाँ पे जो है ना वो बड़े ही अच्छे आजकल आए हुए हैं, तो हमारे घर में खाए जाते थोड़े थोड़े ग्रीन और सख्त से। तो बस यहाँ से अमरूद लेंगे, फिर हम लोगों ने जाना है कुछ और काम करने हैं, फिर हम हुसैन को पिक करेंगे और हम लोग जो है ना वो घर चले जाएँगे। अब हम जी आ गए हैं आइडियल पे, हम लोगों ने लेना है नाश्ता। काम काफ़ी सारे आज कर लिए हैं क्योंकि हुसैन के सेशन पे आज मैंने बैठना नहीं था। इसके टीचर्स कहती हैं कि थोड़ा सा ना ये अकेला भी लेना सीखे। 14 अगस्त के जगह जगह स्टॉल्स लगना शुरू हो गए हैं। बस यहाँ से लेंगे अपना नाश्ता, हम लोग स्विच करके कभी बेकरी का, कभी यहाँ से नान चने का, कभी यहाँ से हलवा पूरी का ले के ना तो चले जाते हैं। इस टाइम मोस्टली जब हुसैन आ जाता है क्लास से, ये फेमस डॉक्टर दाऊद वाला चौक है जहाँ आइडियल बेकरी है। तो बस अभी बस हम नाश्ता लेंगे और फिर हम लोग हुसैन के सेशन पे जो है ना वापस चले जाएंगे, क्योंकि हुसैन को पिक करने का टाइम हो गया। इधर हिना का आज, बल्कि आज 2 नहीं 3-4 पार्सल आए। नहीं 3-4 आए, एक ये है एक इधर वाला है, 2 आए हैं पार्सल। अच्छा, मुझे इतना शौक था ना कि मैंने ना लाइलैक कलर का सूट पहनना है। सूट मंगवाया था? हाँ सूट मंगवाया ये मैंने ऑनलाइन। तो जनाब ये आ गया है मेरा सूट। मैंने देखा है ये सूट किसी के पहने हुए, नेट पे देखा हूँ ना। आप देख सकते हो लाइव भी किसी को पहने हुए, जानबूझ किस तरह की ना हरकतें करो, मतलब देखा हो नेट पे। अच्छा खासा आपको शरीफ समझते हैं, खुद ही बताई जा रही है। तो देखा बंदा देख नहीं सकता। नहीं, ये ठीक है, सही कह रहे हो, आपके मुंह से निकल गया। ये खोल के दिखाएं, वो सही है, खोल के दिखाएं। मैं बाद में खोलती हूँ, हयाम की ना बुक्स आई है, मैंने ऑर्डर की थी। अब मैंने सोचा है कि ना अब इसका समर कैंप खत्म हो गया ना, स्कूल खुलने वाले हैं ना, तो स्कूल में तो इसका एडमिशन यहाँ मैंने करवाना नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसे ना मैं अब घर पढ़ाऊँगी। तो मैंने ना इसकी बड़ी ही ज़बरदस्त ना बुक्स मंगवाई हैं, इसमें कलर्स एंड शेप्स हैं, ये रही कलर्स शेप्स एंड बॉडी पार्ट्स, फर्स्ट बुक ऑफ काउंटिंग की बुक है, एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं, ABC है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और एक इधर है मेरा पहला अलिफ बे पे का कायदा। तो ये है यहाँ की बुक्स आ गई हैं जी, ये अब हयाम घर पढ़ा करेगी, क्योंकि वो कहती है मैंने स्कूल नहीं जाना। अच्छा ये पेज बड़ा अच्छा है, लेकिन
जहाँ से ये मैंने सूट अपने लिए ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि सूट इतना अच्छा नहीं निकला। क्यों? एक तो मैंने साइज एक्सेल ऑर्डर किया था, इन्होंने लार्ज भेजा, साइज नहीं इन्होंने ठीक भेजा। दूसरा ये है कि मैं ना इन्हें करूंगी क्लेम, और दूसरा बटन भी उतरा हुआ है ये देखो, और ना हाँ लॉन भी ना इतनी अच्छी नहीं लग रही। और आया कितने का? 3000 का। नहीं ज्यादा, और ना इतना मजे का भी नहीं, ये बहुत बुरा सा है, ये देखें कपड़ा भी नहीं अच्छा, और इन्होंने बड़ी चवल मारी है। ये इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स को पीआर भेजती हैं अपना, और उसके बाद जब लोग ऑर्डर करते हैं तो लोगों को देखें क्या चीज़। इसकी तो खैर मैं कंप्लेन करूंगी क्योंकि सूट नहीं अच्छा निकला, और बिल्कुल लार्ज आप छोड़े, ये मीडियम भी साइज नहीं है, देखे ये मीडियम भी साइज नहीं उन्होंने भेजा, बटन भी टूटा हुआ, बटन भी टूटा हुआ। तो बोले चले जी फ्रॉड हो ही जाता है कभी ना कभी, इन्होंने गलत किया फ्रॉड, क्योंकि ये पेज अच्छा था और मैंने काफी अच्छी ब्लॉगर्स थी दो इंस्टा की, जिनको देख के मैंने ये सूट ऑर्डर किया था। बोले चलो पहना जाता है, घर में कोई ना कोई साइजेस होते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।